बच्चों, हमारे जो टॉपिक है आज का वो क्या है बेटा? डेटाबेस। याद रखिएगा, डेटाबेस का एक्चुअल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। जब भी आप अपने डेटा को कलेक्ट करोगे तो उसको कहीं ना कहीं रखना होगा। जब आप अपने डेटा को कलेक्ट करके कहीं पर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो वो कहलाएगा डेटाबेस। क्या कहलाएगा बच्चों? डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा और उसको ऑर्गेनाइज करके तमीज से रख लेना। कनेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा जिसको तुम ऑर्गेनाइज करके तमीज से रख लेना। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई मसला नहीं है? चलो बेटा, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के दो तरीके हैं या डेटाबेस को बनाने के दो तरीके हैं। पहले तरीके का नाम है क्या? फ्लैट फाइल डेटाबेस। दूसरे तरीके का नाम है क्या? रिलेशनल डेटाबेस। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, और डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैट फाइल और एक होता है क्या? रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस वो डेटाबेस होगा जिसमें सारा का सारा डेटा एक सिंगल टेबल में होगा। रिलेशन डेटाबेस वो डेटाबेस होगा जिसमें सारे का सारा डेटा दो या दो से ज्यादा टेबल में, जिसमें दो या दो से ज्यादा टेबल में। सही है बच्चों? सबसे बुरा समझा जाता है फ्लैट फाइल डेटाबेस, सबसे अच्छा है कौन सा डेटाबेस समझा जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस। सबसे अच्छा डेटाबेस कौन सा समझा जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस। ये बात सबको समझ आ गई है? अच्छा, वो डेटाबेस जिसमें आपके पास एक ही टेबल होगा वो क्या कहलाएगा? फ्लैट फाइल डेटाबेस। और वो डेटाबेस जिसमें मल्टीपल्स टेबल में डेटा स्टोर हो। अच्छा देखो, आपके ओ लेवल्स के अंदर जो डेटाबेस है वो कौन सा है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब एक ही टेबल में डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, और हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक फॉर्म। चलो नेक्स्ट आ जाओ, रिलेशन डेटाबेस जिसमें एक टेबल में डेटा होगा वो उधर एक प्राइमरी की होगी, वो प्राइमरी की दूसरे कॉलम में जाके लिंक हो रही होगी और दूसरे कॉलम में वो बनेगी फॉरेन की। यानी कि प्राइमरी कॉलम वो कॉलम होगा जैसे नादा के अंदर एनआईसी होता है। एनआईसी का मतलब क्या होगा? जो मेरा एनआईसी नंबर है उसमें आकिब नाम के 5 लोग भी होंगे, बट मुझे उन आकिब से डिफरेंशिएट कौन करेगी? मेरी प्राइमरी की यानी कि सी एनआईसी नंबर। तो हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी कॉलम होगा। प्राइमरी कॉलम इज अ यूनिक कॉलम, जो दूसरे कॉलम में जब लिंक बना रहा होगा तो वो बन जाएगा फॉरेन की। क्या बन जाएगा बच्चों? फॉरेन की। तो एक तरफ प्राइमरी कॉलम, दूसरी टेबल में वो क्या बनेगा? फॉरेन की। इन दोनों के दरमियान एक लिंक या रिलेशन बनता है। रिलेशन वाला जो डेटाबेस होगा, जो आप सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो एएस के सिलेबस में, लेकिन वो जो डेटाबेस कराएगा जिसमें दो टेबल आपस में ताल्लुक बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, जो आपका कभी जिंदगी में किसी से रिलेशन नहीं बना उसी रिलेशन की बात करेंगे, और वो कहलाएगा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है? आप जिंदगी भर अकेले रहे, आप जिंदगी भर सिंगल रहे, तो सिंगल टेबल का जो डेटाबेस होगा वो क्या कहलाएगा? फ्लैट फाइल डेटाबेस। और बच्चों, आपके सिलेबस में कौन सा डेटाबेस है? फ्लैट फाइल डेटाबेस। ठीक, चलो जरा प्राइमरी की के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, जरा देखिएगा बेटा। पीके का मतलब होता है प्राइमरी की, और प्राइमरी की क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी, दैट मींस यूनिक कॉलम, एक यूनिक आइडेंटिफाइड यूनिक कॉलम बोलूँ या इसको बोलूंगा कि यूनिक होगा फॉर एवरी रिकॉर्ड, यूनिक होगा फॉर एवरी रॉ। ठीक है? अच्छा, फॉरेन की का मतलब होता है एफ के, और अगर एक कॉलम में प्राइमरी की है तो दूसरे कॉलम में जाके वही प्राइमरी की किससे कनेक्ट होती है बेटा? फॉरेन की से। ठीक बच्चों, जब आपके पास टेबल होगा ना, हर टेबल में जो रॉ होती है ना, रॉ रॉ का मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चीजें क्या होंगी? रिकॉर्ड। और वर्टिकल चीजें क्या होती है बेटा? फील्ड होती है। सही है? हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे रॉ, रॉ को बोलते हैं रिकॉर्ड, और जो वर्टिकल होगी, वर्टिकल को क्या बोलेंगे? फील्ड। चलो याद रखें, जरा देखिएगा बच्चों, ये आपके पास डेटाबेस। ठीक है? इस डेटाबेस के अंदर, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये आपके पास एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर आपके पास कितने, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, इस डेटाबेस में जो डेटाबेस का नाम है वो क्या है? जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, तो डेटाबेस का नाम क्या हो गया? प्रॉपर्टी। उसके बाद बच्चों, ये पहला कॉलम है प्रॉपर्टी टाइप के नाम से, दूसरा कॉलम है ब्रोशर नंबर के नाम से, तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ बेडरूम के नाम से, चौथा कॉलम है नंबर ऑफ बाथरूम के नाम से, पांचवा कॉलम, अब बच्चों कॉलम को हम बोलते हैं फील्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉलम को हम क्या बोलेंगे? फील्ड।
सही है। तो बच्चों ये पहली फील्ड हो गई, दूसरी फील्ड हो गई, तीसरी फील्ड हो गई, चौथी फील्ड हो गई, पांचवी फील्ड हो गई, छठी फील्ड हो गई और सातवीं फील्ड हो गई। फील्ड का मतलब होता है कॉलम और ये सात कॉलम आ गए। तो यहाँ हमने लिख दिया कि सात फील्ड है टोटल आपके पास। बच्चों रॉ यानी कि रिकॉर्ड लिखा हुआ देखो, रॉ यानी कि रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है टपल। पहली रिकॉर्ड ये नहीं है क्योंकि ये तो हेडिंग है ना, हेडिंग इज नॉट द रिकॉर्ड ना, हेडिंग रॉ में काउंट नहीं होगी। रॉ की काउंटिंग शुरू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बच्चों टोटल आठ क्लास, टोटल आठ रॉ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल आठ रोज होती है डेटाबेस के अंदर। बच्चों आज के बाद से हम रॉ को बोलेंगे रिकॉर्ड और रिकॉर्ड को बोलेंगे टपल, रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे टपल। कोई मुझे बताएगा कि नाम इस पूरे डेटाबेस का नाम क्या है? प्रॉपर्टी। इस पूरे डेटाबेस का नाम क्या है बेटा? प्रॉपर्टी। इस पूरे डेटाबेस का नाम क्या है? प्रॉपर्टी। अच्छा अब बेटा मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, अगर उसको देखें यहाँ पर आप डेफिनेशन भी आ गई। क्या डेफिनेशन आ गई? कि डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा। और फ्लैट फाइल डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जिसमें सारा का सारा डेटा किसमें स्टोर होगा? टेबल। सही। चलो इस टेबल को अगर मैं देखूं और इस टेबल को बच्चों आप लोग मुझे बताएंगे इस टेबल में कौन सा कॉलम ऐसा है जो कि यूनिक है और यूनिक को हम बोलते हैं प्राइमरी। चलिए बताओ यूनिक कॉलम कौन सा है बेटा? प्राइमरी कॉलम कौन सा है? नाम बताओ। क्या प्रॉपर्टी टाइप यूनिक है? नो। क्या ब्रोशर नंबर यूनिक है? यस। यूनिक का मतलब डिफरेंट ना, तो ब्रोशर नंबर हमेशा डिफरेंट होगा और डिफरेंट को मैं बोलूंगा प्राइमरी कॉलम। कौन सा कॉलम बच्चों? प्राइमरी कॉलम। गॉट इट। तो ब्रोशर नंबर इज यूनिक फॉर ऑल द रॉस या ऑल द रिकॉर्ड और ब्रोशर नंबर क्या हो गया? प्राइमरी कॉलम। गॉट इट। शाबाश, वेरी गुड। आगे आइएगा बच्चों, जब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ नोट्स जरा ओपन करने मेरे बेटा, उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मल डेफिनेशन है कि भाई रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया कि देखो रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट वन सिंगल आइटम इन द डेटाबेस, और रॉ का मतलब ये हॉरिजॉन्टल जितने भी होंगे वो क्या होंगे? रिकॉर्ड। इसी तरीके से हम कॉलम पे जाएंगे फील्ड पे। तो बच्चों फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? फील्ड इज वन पीस ऑफ डेटा अबाउट एन आइटम इन द डेटाबेस, और फील्ड हमेशा क्या होगी? वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब क्या? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट आज बच्चों इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है लिस्ट ऑफ वैल्यूज और आइटम। इंडेक्स का मतलब अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज और आइटम, ताकि आप डेटा को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। अब आ जाओ बच्चों प्राइमरी की। बेटा प्राइमरी की डेफिनेशन क्या लिखी? कि एक यूनिक डेटा होता है यानी कि डिफरेंट होता है, यूनिक और आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। रिलेशन डेटाबेस के बारे में बता चुका हूँ कि वो डेटाबेस, ये है टेबल वन और ये है टेबल टू। टेबल वन और टेबल टू, टेबल वन में अगर प्राइमरी की है तो वो दूसरे टेबल में जाके किससे कनेक्ट होती है? फॉरेन की से। और दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करने वाला, दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होगा? रिलेशन। क्या होगा बच्चों? रिलेशन। ठीक है। चलिए बच्चों ये जरा बोर्ड पे देख लें आप लोग, आराम से देखिएगा। देखें पेज नंबर 59 पे मेरे साथ देखेंगे जिनके पास नोट्स। बेटा देखो सूडो कोड के अंदर इसको जरा समझिएगा। देखो बेटा सूडो कोड के अंदर, ये सूडो कोड है, हाँ अगला टॉपिक मेरा सूडो कोड होगा, लेकिन सूडो कोड से पहले मैं कुछ चीजें खत्म कर रहा हूँ। बेटा सूडो कोड में डेटा की टाइप होती है पांच, कौन कौन सी जरा बोलिए। सूडो कोड में, मेरा टॉपिक सूडो कोड नहीं है, मैं पहले सूडो कोड बताऊंगा फिर डेटा बेस बताऊंगा। सूडो कोड में पहली डेटा की टाइप होती है होल नंबर, और सारे होल नंबर किसमें आते हैं? इंटीजर में। फिर आते हैं बच्चों पॉइंट वाले नंबर, सारे पॉइंट वाले नंबर किसमें आएंगे? रियल में। फिर बच्चों एक अकेला कैरेक्टर, जैसे आप हो ना, एक अकेला कैरेक्टर किसमें आएगा? चार। सही। एक अकेला कैरेक्टर सिंगल कोटेड कॉमा में आपकी तरह जो होगा वो क्या होगा? चार। फिर बच्चों कोई भी दो कॉमन कंपेरिजन लाइक यस नो, लाइक जीरो एंड वन, लाइक ट्रू एंड फॉल्स, लाइक मेल और फीमेल, जितनी भी कॉमन कंपैरिजन है वो किसमें आएगी? बूलियन में।
एंड बच्चों स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, लाइक असद 1 2, लाइक आके 1 2 या आके खान वगैरह। ठीक है, तो बच्चों सूडो कोड की 5 डेटा की टाइप सबको समझ आ गई है, यस और नो? सूडो कोड की 5 डेटा की टाइप सबको समझ आ गई है, यस और नो? जल्दी बताएं। आ गई, सही, क्लियर है? चलो आप जरा और से, अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे चैट पे बताएगा, अगर मैं आपको कोई भी होल नंबर देता हूँ तो होल नंबर क्या कहलाएंगे? सारे के सारे होल नंबर क्या कहलाते हैं बोलो? इंटीजर। चलो जी, सारे के सारे पॉइंट वाले नंबर क्या कहलाएंगे? रियल। बच्चों कोई भी अकेला कैरेक्टर लिखा होगा लाइक ए, लाइक वाई, लाइक जेड, वो क्या कहलाएगा? चार। कोई भी कॉमन कंपैरिजन होगी यस नो वाली, वो क्या कहलाएगी? बूलियन। और अगर लिखा हुआ है असद 1 2 या आकिब खान, वो क्या कहलाएगा? सिंगल कोटेड कॉमा है बेटा, ये 4 पे सिंगल कोटेड कॉमा, सही है? यहां तक कोई मसला है? चलो बेटा, ये तो मैंने डेटा की टाइप सूडो कोड की बताई थी ना, अब बच्चों डेटा बेस में डेटा की टाइप थोड़ी सी चेंज हुई, जरा देखिएगा। डेटाबेस की डेटा की टाइप ये रही, पेज नंबर 59 पे लिखना था ना, ये रही। डेटाबेस में डेटा की टाइप 7 होती है, कितनी होती है बेटा? 7 डेटा की टाइप, ठीक है? सूडो कोड नहीं, डेटाबेस में डेटा की टाइप 7 होती है, कितनी होती है बेटा? 7, ठीक हो गया। आइए वन बाय वन हम आपको बताते जाते हैं। पहली डेटाबेस में जो डेटा की टाइप होती है वो होती है नंबर्स, और नंबर्स के अंदर बच्चों नंबर्स में आपके पास होल नंबर भी आते हैं और नंबर्स में ही आपके पास पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, सही है? नंबर्स के बाद आपके पास कैरेक्टर होगा और कैरेक्टर में कोई भी सिंगल कैरेक्टर आएगा जस्ट लाइक योर सूडो कोड। उसके बाद आपके पास बूलियन होगा, बूलियन का मतलब होता है टू कॉमन कंपेरिजन लाइक यस नो, टू फॉल्स और मेल फीमेल। उसके बाद आपके पास डेट होगी, डेट के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक डेट आ जाएगी। उसके बाद बच्चों टाइम होगा, टाइम के अंदर कोई भी स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा। टाइम के बाद आपके पास होता है करेंसी, करेंसी में आपको कोई अमाउंट को मेंशन करना होगा, करेंसी में आपको कोई अमाउंट को मेंशन करना होगा, या तो वो डॉलर में होगा, या तो वो रुपीस में होगा, या तो वो किसी भी और मुल्क की करेंसी में हो सकता है। और बच्चों सातवीं डेटा की टाइप जो आपके पास है, 7 जो डेटा टाइप आपके पास है, सातवीं बच्चों वो है आपके पास टैक्स। अब आप बोलोगे सर टैक्स में क्या आता है? टैक्स में ए से लेकर जेड तक भी आता है, उसके साथ साथ नंबर भी आते हैं, उसके साथ साथ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है, ठीक है? किसमें? टेक्स्ट। तो एक्चुअल में टेक्स्ट के अंदर अल्फाबेट नंबर स्पेशल कैरेक्टर आएगा, और इसी टेक्स्ट को सूडो कोड में, इसी टेक्स्ट को सूडो कोड में स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है, देख रहे हो? इसी टेक्स्ट को सूडो कोड में स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये 7 डेटा की टाइप है जो डेटा बेस में। तो बच्चों डेटा की टाइप का मतलब होता है फॉर्मेट ऑफ डेटा इन द फील्ड, और 7 डेटा की टाइप डेटाबेस में है, 5 डेटा की टाइप सूडो कोड के टॉपिक में है, जो सूडो कोड में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा। तो अभी हमें फिलहाल बच्चों 7 डेटा टाइप को इस्तेमाल करना है। एम आई क्लियर? चलो आगे बेटा, टेक्स्ट का मतलब होता है अल्फाबेट नंबर या स्पेशल कैरेक्टर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा मुझे बताना डेटा की टाइप या डेटाबेस में किस डेटा टाइप में। अच्छा बताओ आखिर वर्ड टू किस में आएगा? आखिर वर्ड टू किस में आएगा? टेक्स्ट। किस में आएगा? टेक्स्ट। बच्चों $250 किस में आएगा? करेंसी में, सही है? 2:05 हो रहे हैं, किस में आएगा? टाइम में। कोई भी डेट है वो डेट किस में आएगी बेटा? डेट में। यस नो मेल फीमेल ट्रू फॉल्स किस में आएगा? बुलियन में, यही है ना? और बच्चों कोई भी नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो पॉइंट वाला नंबर हो, नंबर तो आएंगे किस में? नंबर्स के अंदर। एम आई क्लियर? सही। अब आ जाए डेटाबेस के अंदर। बच्चों एक मैंने ऐसी सवाल बनाया, जरा देखिएगा। डिजाइन आर डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रखा हुआ है क्या? क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट। तो एक्चुअल में दिस इज द नेम ऑफ क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? द
पांच कॉलम बनाने हैं, तो देखो दिस इज कॉलम वन, दिस इज फील्ड टू, कॉलम का मतलब फील्ड, दिस इज फील्ड थ्री, दिस इज फील्ड फोर, दिस इज फील्ड फाइव, पांच कॉलम है आपके। कितने कॉलम है? पांच कॉलम, सही। पांच कॉलम के बाद सवाल में लिखा हुआ है छह रो। कितनी रो होंगी बेटा? छह रो। कितनी रो होंगी बेटा? छह रो। जब आपके पास छह रो होंगी बेटा, तो छह रो में से मुझे बताओ मैं हेडिंग को इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ? हेडिंग को इंक्लूड नहीं करूंगा ना। जब हेडिंग को इंक्लूड नहीं करूंगा तो क्या होगा? पहली रो हट गई, अब यहाँ पर आ जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये पांचवी और ये छठी। इस पूरे डेटाबेस का नाम क्या है? क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट। है क्लियर? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? सबको समझ आ गया? डिजाइन कर लिया आप लोगों ने? जो चांद नजर आ गया? हाँ, देखने रमजान के चांद नजर आ गया? रमजान मुबारक, सब व्यूवर्स पर रमजान मुबारक। चांद चांद रात कहाँ से आ गई? वही मुझे बच्चे मैसेज कह रहे हैं, मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। यानी कि कल रोजा है, पहला रोजा मुबारक हो बच्चों आप लोग। ओ माशाल्लाह, ये बच्चों हम आर्ट भी करते हैं ना ऐसे, कि आपका भाई कैलीग्राफी भी करता है, कैलीग्राफी, ठीक है। ये मैंने आपको बनाया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एग्जाम में आएगा बनाने। चलो बच्चों, आपके पास टोटल छह केस हैं, ठीक। आपके पास टोटल छह केस होते हैं। जी जी रमजान मुबारक, सही। आपके पास टोटल छह केस होंगे बेटा। हम आपको आज पहला केस करा देते हैं, डेटाबेस इन टेबल। देखिएगा, हर केस की रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, या बल्कि आपको तो घर पढ़ाऊंगा, और हर केस की रिकॉर्डिंग भी होगी। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकते हैं आप लोग रिकॉर्डिंग। पहले केस का नाम है डेटाबेस टेबल में होगा, दूसरे का नाम है डेटाबेस वर्ड्स में होगा, तीसरे का नाम है क्यूरी बाय ग्रेड, चौथा आपके पास है आउटपुट डेटा फ्रॉम क्यूरी बाय ग्रेड, पांचवा आपके पास है एरर निकालना होगा, और छठा है आपके पास एसक्यूएल, ठीक है। सबसे ज्यादा एड ऑन ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा है बेटा? एसक्यूएल, ठीक है, सही है। चले, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा? डेटाबेस इन टेबल। चलो,